नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं हिप्नोटिज्म पर पहला लेक्चर लेने वाला हूँ, जिसमें हम हिप्नोटिज्म की हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर हिप्नोटिज्म आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी पावर क्या है। हिप्नोटिज्म हमारे हिंदुस्तान में बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनि हिप्नोटिज्म को प्रयोग में लाते रहे हैं। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि पहाड़ों में, गुफा में, जंगल में साधना करते थे, जैसे कि इसकी एक हम कथा देखेंगे, वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण लिखा, उससे पहले वो एक लुटेरे थे और जंगल में रहते थे, और उस जंगल के रास्ते से जो भी गुजरता था उसको पकड़ के उसके पास जो भी धन या खाना पीने का जो भी सामान है वो लूटता था और उसको मारता था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसी रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे। हमेशा की तरह वाल्मीकि ने नारद मुनि को भी पकड़ा और उनको बोला कि तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब नारद मुनि बोले कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आप जो भी ये कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप है, और आप ये क्यों कर रहे हैं? तो वाल्मीकि बोले, ये तो मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि बोले, तो आप अगर आप बीवी बच्चों के लिए कर रहे हो तो क्या आपके बीवी बच्चे आपके पाप में भागीदार होंगे? तो वाल्मीकि बोले, हाँ होंगे, क्योंकि मैं तो उनके लिए कर रहा हूं। नारद मुनि बोले, नहीं होंगे, आप चाहे तो उनको पूछ लो। तो वाल्मीकि बोले, क्या आप मुझे उल्लू बना रहे हो? मैं उनको पूछने के लिए जाऊंगा और आप भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद नारद मुनि बोले, ठीक है, एक काम करो, मुझे पेड़ को बांध के रखो और फिर जाओ। अभी इतना बोलने के बाद वाल्मीकि को लगा कि शायद इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी, इसके लिए ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो वाल्मीकि ने नारद मुनि को एक पेड़ को बांध के रखा, और पेड़ को बांधने के बाद वो भागता हुआ अपने घर चला गया और बीवी बच्चों को पूछा कि मैं तो हर दिन लोगों को मारता हूँ, उनके पास जो भी है वो सामान लूटता हूँ, और मैं ये सब आपके लिए करता हूँ, भले ये पाप है लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, तो क्या इस पाप में आप मेरे पाप में आप भागीदार होंगे? तो उसकी बीवी बच्चे बोले, हम क्यों होंगे, हमने थोड़े आपको बोला था कि आप पाप करके हमें पालो, आप कोई अच्छा काम करके भी तो हमें पाल सकते हैं, उसके लिए पाप करने की क्या जरूरत है? और हमारा पालन पोषण करना ये तो आपका कर्तव्य ही है, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। ये बात सुनकर वाल्मीकि बहुत नाराज हुआ और भागता हुआ वापस नारद मुनि के पास आया। नारद मुनि के पैर पकड़े और बोला कि आप कुछ भी करो लेकिन हमें इस पाप से मुक्ति दे। उसके बाद नारद मुनि बोले, ठीक है, एक काम करो, आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और राम नाम का जाप करते रहो। तो वाल्मीकि बोला, ठीक है, मैं करके देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि ऋषि राम नाम का जाप करने लगा, उसे राम नाम ही लेने को नहीं आ रहा था, राम की जगह पे वो मरा मरा बोलने लगा। अभी नया प्रॉब्लम हो गया। वाल्मीकि बोला, मुझे तो राम नाम का जाप नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैं जैसे ही राम राम बोलने लगता हूँ तो आज तक मैंने जितने लोगों को मारा वो चेहरे मेरे नजर के सामने आते हैं, वो तो जैसे चिल्ला रहे थे उनकी वो चिल्लाहट मेरे कानों में सुनाई देती है, और राम की जगह पे अपने आप मरा मरा बाहर आने लगता है।
तो नारद मुनि बोले ठीक है, आप मरा मरा बोलना शुरू कर दो। तो वाल्मीकि समाधि अवस्था में बैठ गए, आंखें बंद कर लिए और मरा मरा बोलना शुरू कर दिया। और इस तरह से वो 14 साल तक मरा मरा बोलते रहे। 14 साल के बाद में एक साधारण लुटेरा एक वाल्मीकि ऋषि बन गया। जब वो साधारण लुटेरा था तो उसको लोग वाल्या के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो ऋषि बन गया, उन्होंने रामायण लिखा, और आज हजारों साल बाद भी आज उनको वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाना जाता है। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार हुआ साधना से, निरंतर जाप से। अब चलो इसको हम साइंटिफिक नजर से देखते हैं। क्या कोई साधना करने से 14 साल तक ऐसे ही बैठा रह सकता है? आप कितने दिन तक बिना खाना पिए, बिना खाना पानी के कितने दिन तक आप ऐसे ही बैठे रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद आप जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर वाल्मीकि ऋषि ने 14 साल तक ये कैसे किया होगा? तो इसका कारण हम ढूंढते हैं। आज हम जो खाना खाते हैं वो नेचुरल खाना नहीं, सब आर्टिफिशियल है, सब केमिकल डाल के खाना उगाया जाता है। जो फल हमारे पास आते हैं उसमें भी कई सारे केमिकल छिड़के हुए रहते हैं, और साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि आप ऐसे फल खाएंगे तो आपको कैंसर तक हो सकता है। यानी हम जो सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, वो नेचुरल है। ऊपर से हम जंक फूड बहुत खाते हैं, बाहर का खाना, लेकिन उस जमाने में वो लोग पूरा नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल फल खाते थे, जमीन के अंदर के वो जो पेड़ पौधे जिसको कंद गुल बोलते हैं वो खाते थे। पूरा नेचुरल खाना खाने की वजह से उनकी सेहत हमारे मुकाबले में कई गुना अच्छी रहती है। और इसके वजह से हो सकता है कि वो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। अभी कैसे हो सकता है? साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जब भी कोई मेडिटेशन करता है तो हमारे शरीर के गैर जरूरी हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, और सिर्फ हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन ही काम करता है, और उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है बस उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी नॉर्मल अवस्था में आपके पूरे बॉडी की मूवमेंट चालू रहती है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और ज्यादा ज्यादा एनर्जी लगती है तो ज्यादा खाना और पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपका शरीर एक ही जगह पे, एक ही अवस्था में रहता है जिसमें मूवमेंट नहीं होती है या ना के बराबर होती है, जिसके वजह से आप ज्यादा एनर्जी की आपको जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ आपका हार्ट और ब्रेन चल रहता है, और उसमें भी आपके हार्ट बीट्स नॉर्मल अवस्था से बहुत कम हो जाते हैं, यानी 40 तक नीचे आ सकते हैं, जिसके वजह से बहुत ही कम एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है। और यही रीजन है कि आप ज्यादा दिन तक ऐसे ही मेडिटेशन में बैठे रह सकते। तो फिर उस जमाने के लोग तो हमसे कई गुना ज्यादा सेहतमंद थे, तो उनके लिए ये बहुत आसान होगा। लेकिन फिर भी 14 साल तो कुछ ज्यादा ही होता है। अगर आज हम 1 महीने तक मेडिटेशन कर सकते हैं तो पॉसिबल है कि वो लोग
महीने तक कर पाते हो। लेकिन 6 महीने तक कर पाने का मतलब ही यही है कि अगर कोई 6 महीने में सिर्फ एक बार पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए उठता है, और वो भी जंगल में, तो वो खाना खाते हुए और पानी पीते हुए किसी के नजर में आ जाए, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो किसी के नजर में नहीं आए होंगे कि उन्होंने खाना खाया पानी पी, क्योंकि 6 महीने में सिर्फ एक बार। और जिसके ऊपर से फिर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने 14 साल तक कुछ खाया पिया ही नहीं। दूसरी बात, मेडिटेशन करने से होता क्या? मेडिटेशन करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेडिटेशन में हम हमारी आंखें बंद कर लेते हैं, और जिसके वजह से हमारा माइंड का, हमारे ब्रेन का पूरा फोकस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, हमारे आत्मा के अंदर चला जाता है, और हर चीज को एनालाइज करना माइंड से शुरू हो जाता है। और जब हम माइंड से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हम ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बिना देखे समझना शुरू कर देते हैं, बिना देखे ही हमें समझने आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हम हमारे माइंड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आंखों का। नॉर्मल तौर पर होता क्या है कि हम किसी भी चीज को हमारे आंखों से देखते हैं, आवाजें सुनते हैं, और फिर एनालाइज करते हैं कि उस चीज में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। लेकिन अगर हम हमारी आंखें और कान बंद कर दें, तो किसी चीज को जानने का और समझने का हमारे पास एक ही जरिया रहता है, और वह है हमारा माइंड। और ऐसे समय में हम हमारे माइंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि क्या हुआ होगा। मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे? आप सुनना चाहेंगे उस चीज के बारे में वो क्या है, उसकी जानकारी लेना चाहेंगे, यानी आप अपने कानों का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने आंखों से देखना चाहेंगे तो आपकी आपको सही जानकारी मिल पाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों भी ऑप्शन आपके लिए बंद है, ना तो आप देख सकते हैं, ना उसके बारे में जानकारी सुन सकते हैं, और फिर भी आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है, और वो खुद अपने माइंड से वहां जाके उस चीज का एनालाइज करना शुरू कर देता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो बिना देखे, बिना सुने, उस चीज की बिना जानकारी लिए ये समझ सकता है क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। और जब ये जानकारी उसको मिलती है, तो फिर वो आगे काम करना शुरू कर देता है। और उसका एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने खोज की E=MC², जिन्होंने ये बताया कि एनर्जी से मास कैसे बनता है, जिसकी वजह से एटम बम की भी खोज हो गई। लेकिन क्या उनको किसी ने सिखाया था ये E=MC²?
किसी ने नहीं सिखाया। क्या किसी ने बताया था कैसे संशोधन करना है? क्या कैसे करना है इसकी जानकारी कहीं पे उपलब्ध थी? नहीं, यानी वो ना कहीं पे जाके पढ़ सकते थे, ना कैसे करना है इसकी जानकारी सुन सकते थे। यानी कान और आंखें होने के बावजूद भी बंद के बराबर है। अब रास्ता बचता क्या है? अरे माइंड। जब आंखें और कान बंद हो गए, यानी कोई जानकारी है ही नहीं लेकिन करना तो है, तो फिर शुरू हो गया माइंड। और इस माइंड ने वो खोज की, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है, कैसे होगा, अंदर क्या रहेगा, और ये सब चीजें उनके माइंड ने उनको दिखा दी। और दिखाने के बाद में उन्होंने रियलिटी में करके देखा और सक्सेस हो गई। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, हर साइंटिस्ट ने जितनी भी खोज की है, कभी ना कभी तो पहली बार की है। और उस वक्त उनके आंखों में और कानों ने काम नहीं किया, आंखों ने और कानों ने काम नहीं किया, उनकी सिर्फ माइंड ने काम किया है। आंखें और कान ये बाद में काम में आए हैं। तो इससे हमारा माइंड कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, तो बहुत शक्तिशाली। और सही मायने में अगर हमारा माइंड शक्तिशाली है और इस माइंड की सही मायने में जो खोज है वो हमारे ही ऋषि मुनियों ने की है, हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमारा माइंड कितना पावरफुल है इसकी देन इस दुनिया को दी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही इस दुनिया को दिखा दिया कि मेडिटेशन से क्या हो सकता है। और उस जमाने में कई सारे ऋषि मुनि जंगल में किसी पेड़ के नीचे या किसी गुफा में मेडिटेशन साधना करते थे, चैंटिंग करते थे और वो शक्तियां हासिल करते थे। और शक्ति हासिल करने के बाद कई सारे लोगों की समस्याएं दूर करते थे, उनके प्रॉब्लम्स मिटाते थे, बड़े बड़े चमत्कारिक काम करते थे जो कि आम लोगों के लिए नामुमकिन रहता था, एक अजब चीज रहती थी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में भगवे कपड़े पहनने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, और वो शक्तिशाली कुछ अजीब चीजें करते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है। क्योंकि वो लोग देखते थे ये कि हिमालय में बर्फ में बैठते हैं खुले बदन में और फिर भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, ऊपर कड़ी धूप है उसमें साधना कर रहे फिर भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बारिश में साधना कर रहे फिर भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कई दिनों तक ये खाना नहीं खाते फिर भी ये जिंदा है। यानी इनके अंदर कुछ तो अलग है। अब जब ये लोग अपने देश में जाते थे तो वहां पे लोग पूछते थे कि आप हिंदुस्तान गए वहां के कैसे लोग हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लोग बोलते थे कि वहां पे ऋषि मुनि नाम के कोई वो लोग रहते जिनको साधु बोलते हैं,
ये सब ऐसा ऐसा करते हैं। कुछ लोग बोले ऐसा थोड़ी होता है, कुछ लोग बोले होता होगा हमें क्या करना है, और कुछ लोग बोले क्या सच में ऐसा होता है, और अगर सच में ऐसा होता है तो फिर ये तो हमें देखना पड़ेगा, यानी क्यूरियसिटी। तो ऐसे कुछ मुट्ठी भर क्यूरियसिटी वाले लोग हमारे देश में आए, और वो ऐसे ऋषि मुनियों के शिष्य बने, क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था कि आप पैसा फेंको और सीखो, आपको शिष्य बनना पड़ता था, उधर आश्रम में रहना पड़ता था, वो ऋषि की सेवा करनी पड़ती थी, हर आश्रम का हर काम करना पड़ता था, और तब जाके वो ऋषि ने आपको साधनाएं सिखाते थे। तो उन्होंने ये सब किया, और ऋषि मुनियों से वो साधना सीख ली, और सीखने के बाद उन्हें भी पता चल गया कि सच में इसमें पावर है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। और जो नॉर्मल अवस्था में जो चीजें हम नहीं कर सकते, वो मेडिटेशन में जाके हम सच में कर सकते हैं। और कई सारी चीजें मेडिटेशन में जाने के बाद पॉसिबल हो जाती है, जो कि नॉर्मल अवस्था में हमें नामुमकिन लगती है। और इसी से फिर वो दुनिया में फैलना शुरू हो गया। उस वक्त इन सारी पावर्स को हमारे देश में जाना जाता था, इस पावर को इस्तेमाल करके दूसरों को लोग सम्मोहित करना शुरू कर दिया। अब इसी सम्मोहन को कुछ लोग वशीकरण के नाम से जानने लगे, सम्मोहन के नाम से जाने लगे, अलग अलग नाम, कोई लोग तो इसको ब्लैक मैजिक भी बोलने लगे। और ये परंपरा जो श्री कृष्ण के जमाने से चली आ रही है, क्योंकि खुद श्री कृष्ण ने भी इन सारे चीजों का इस्तेमाल किया है कंस को हराने के लिए। जो मोहिनी असर डालते थे, मोहिनी यानी सम्मोहन, यानी हम भी किसी को सम्मोहित करते हैं तो उसको बोलते हैं मोहिनी। ये वर्ड्स अलग अलग है तो एक ही चीज। तो उस जमाने से ये चीज इस्तेमाल में आ रही है। अब हुआ क्या, अंग्रेजों के बाद भी हमारे कई सारे ग्रंथ वगैरह, अंग्रेजों से पहले जो इन्वेंटर्स हमारे कंट्री में आए, और अब उन्होंने कई सारे हमारे ग्रंथ जला दिए, कई सारी हमारी परंपराएं नष्ट कर दी, और अंग्रेजों ने तो हमें पूरा बर्बाद ही कर दिया। और उसके बाद फिर हमारा देश जो है वो रिवर्स में शुरू हुआ। ये जो अच्छी चीजें जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज ली थी वो पीछे रह गए, और हमारा ध्यान उन चीजों से हट गया। और यही चीजें परदेशी लोग, अंग्रेज लोग बाहर लेके गए, उन्होंने उसके ऊपर और इन्वेंशन किया, खोज की, और उसको अच्छे तरीके से वापस प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसको ब्रांड बनाया, अपना स्टैंप मारा, और हमें ही बेचना शुरू कर दिया। और जिसको हम, जो हमारी चीज है सम्मोहन, अब हम उसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म।
कई लोगों को ये पता ही नहीं है, हिप्नोटिज्म मतलब सम्मोहन, जो कि हमारे ही देश का है। लेकिन आज बुरी बात यह है, हमारे लिए शर्मनाक बात यह है कि सम्मोहन हम बाकी देशों से बहुत पीछे रह गए। 99% हिप्नोटिस्ट लोगों को ही पता नहीं है असलियत में सम्मोहन चीज है क्या। बहुत लो लेवल की जानकारी रखते हैं, एडवांस लेवल की जानकारी उनके पास है ही नहीं। और प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो हिप्नोटिस्ट है, ये बस परंपरागत जो चली आ रही है वही आपको दे रहे हैं। वो खुद उसमें कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे, ना खोज कर रहे, ना सोच रहे। जितना पढ़ा बस ये समझते उतना ही है, इसके आगे नहीं हो। और जब कोई आगे का सवाल आता है तो सीधा बोलते ऐसा नहीं होता है, इसमें इतना ही। और उसी चीज पे आप जब परदेशी हिप्नोटिस्ट की जानकारी लेते हैं तो हमें अलग ही जानकारी मिलती है। और हमारे देश के हिप्नोटिस्ट जैसे वो लोग नहीं है, वो हर चीज की पूरी प्रैक्टिकली इन्वेंशन करते, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद में जमाने के सामने रखते हैं, ऐसे ही नहीं। अगर